तो गाइस आपकी वीडियो पर व्यूज कम होने के तीन मुख्य कारण दोस्तों हो सकते हैं। दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा जो कारण है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और दोस्तों उससे आपके जो व्यूज है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि YouTube पर व्यूज अप डाउन तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी जो चैनल होते हैं जो जिस पर अच्छे खासे व्यूज आते रहते हैं, उनके जो व्यूज है दोस्तों एकदम से ही डाउन चले जाते हैं। वो दोस्तों किस वजह से होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीन वे क्या कारण है जिसकी वजह से जो आपके व्यूज है वो बहुत ही ज्यादा डाउन होते हैं। जो व्यूज कम होने का नंबर वन कारण है वो होता है दोस्तों आपका कंटेंट। मतलब दोस्तों आपका जो कंटेंट है वो, जैसे कि आपकी वीडियो किसी कंटेंट पर आपकी चल रही है, मान लीजिए आपकी टैग वीडियो है तो उस पर आपकी कोई वीडियो अच्छी खासी चल रही है, और दोस्तों आप उस टॉपिक पर वीडियो फिर से नहीं बनाते हैं अच्छा कुछ उसमें चेंज करके, तो आपके व्यूज डाउन जाएंगे। अब दोस्तों उसमें ऐसा होता है कि आपकी जो वीडियो वायरल होती है वो कुछ टाइम बाद दोस्तों बंद हो जाती है। अगर आप उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट दे दोगे तो दोस्तों आपके व्यूज कम नहीं होंगे, लेकिन अगर वहां पर आपका फोकस कम हो जाता है कि भाई मेरी तो एक वीडियो वायरल हो गई है और मेरे व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो भाई आपके व्यूज वहां पर डाउन जाने वाले है। और दोस्तों इसमें मेन पॉइंट होता है सर्चेबल कंटेंट पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि सर्चेबल कंटेंट ही चलता है, वो आपका काफी दिनों तक चलता है। तो दोस्तों आपको सर्चेबल कंटेंट पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। अब नंबर टू पर आता है दोस्तों यूट्यूब बग। नंबर टू पर दोस्तों यूट्यूब बग में दोस्तों कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे कि अब फिलहाल में दोस्तों यूट्यूब पर बग चल रहा है जिसकी वजह से सभी क्रिएटर के जो रियल टाइम व्यूज है वे काउंट नहीं हो पा रहे हैं, और दोस्तों वहां पर वे डाउन हो रहे हैं। सभी क्रिएटर के इस टाइम व्यूज डाउन जा रहा है, अर्निंग डाउन जा रहा है, वो दोस्तों यूट्यूब बग है। ये भी दोस्तों यूट्यूब बग भी हर मंथ लगभग होता रहता है, तो इसकी वजह से भी व्यूज डाउन हो जाते हैं, ये भी एक कारण है। अब दोस्तों तीसरा जो कारण आता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 90% क्रिएटर करते हैं, और दोस्तों उनकी जो वीडियो पर व्यूज आ रहे थे वे डाउन चले जाते हैं। और दोस्तों वो क्या कारण है, तो वो कारण दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे शुरू में आपका दोस्तों जो कंटेंट होता है, मान लीजिए आप स्पोर्ट की वीडियो डाल रहे हैं, स्पोर्ट की वीडियो में आपने स्पोर्ट की वीडियो डाली, उसमें काफ़ी वीडियो डाली और वहाँ पर आपकी कोई वीडियो निकल जाती है, आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, तो दोस्तों आप उसे चेंज करके वहाँ पर दूसरी चालू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर व्लॉगिंग चालू कर दी, या दोस्तों आप वहाँ पर गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालना चालू कर देंगे, तो भाई जो आपके सब्सक्राइबर आते हैं वे आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपको वहां पर कंटेंट भी चेंज नहीं करना होता। जैसे कि दोस्तों कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो टैग कैटेगरी में काम तो करते हैं, लेकिन उनका जो व्यूज आते हैं, जो उनकी वीडियो होती है, जो उनका दोस्तों कंटेंट होता है वो होता है दोस्तों ऐप रिलेटेड, जैसे कि मान लिया इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो, या दोस्तों अदर वीडियो। तो दोस्तों वे क्या करते हैं, जब उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, उनके अच्छे खासे 5-7 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं और व्यूज भी अच्छे आने चालू हो जाते हैं, तो वो कैटेगरी चेंज कर देते हैं, चले जाते हैं दोस्तों यूट्यूब टिप्स में। तो मतलब दोस्तों वहां पर उन्होंने चैनल भले ही ना चेंज किया हो, लेकिन उन्होंने दोस्तों कैटेगरी भले ही चेंज ना की हो, लेकिन इसमें भी काफ़ी कैटेगरी होती है जिसमें दोस्तों उन्होंने कैटेगरी चेंज की है। जैसे कि दोस्तों वे ऐप से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, लेकिन अब वे यूट्यूब से टिप्स से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो भाई वहां पर आपकी जीरो से शुरुआत होती है। तो भाई वे जो आपके सब्सक्राइबर है, आपके 10,000 हो, 5,000 हो, या दोस्तों आपके 1,000 हो, तो वे दोस्तों आपके किसी काम के नहीं रहते हैं, वहां पर आपको जीरो से शुरुआत करनी होती है। ये कारण दोस्तों सबसे ज्यादा है आपके व्यूज डाउन होने का, और ये दोस्तों रियलिटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, तो मेरी बात आपको सही लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना।